हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कला संचरिता। आज मैं आप लोगों को फोक आर्ट पर कुछ बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फोक आर्ट जो है वो बेसिकली गांव से रिलेटेड होता है। जो पहले ज़माने में गांव में जो आर्ट बनाई जाती थी या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो आर्ट हम फर्श पे या दीवार पर बनाते थे, उसे ही हम फोक आर्ट कहते हैं, लोक कला कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न लोक कलाएं प्रचलित हैं, जैसे मधुबनी, वारली, ऐपण, मांडना, चौक और कोहबर। अंत में आपने जो देखा है, कोहबर और चौक, ये हमारे देश के यूपी प्रांत की लोक कला है। ये जो आर्ट होती है ये बिंदुओं और लाइनों पर आधारित होती है, थोड़ी सिमेट्रिकल होती है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करने के लिए छोटे बच्चों की जो मैथ की कॉपी होती है उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे ग्राफ बने होते हैं। उन ग्राफ को हम बिंदु मान करके और इन आर्ट्स को बनाते हैं। कुछ मेरे पास बने हुए हैं, वो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी, और इनको कैसे बनाया जाए ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। इसका सीरीज़ में बना करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि आप भी यूपी की फोक आर्ट के बारे में जानें और कैसे बनाया जाता है इसको भी देखें आप। पहला है, ये डिज़ाइंस हैं, बॉर्डर के डिज़ाइंस, बॉर्डर के डिज़ाइंस हैं। ये तीन डिज़ाइन इसमें मैंने बनाई है, दो डिज़ाइन इसमें बनाई है। ये जो डिज़ाइन है ये कोहबर में यूज़ की जाती है। इसी तरह से ये बॉर्डर बना करके और बीच में जो भी बनाना होता है वो ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं। ये कोहबर का बॉर्डर है, लास्ट में इसमें हम कोहबर के डिज़ाइन बनाएंगे, वो आपको अलग से बताएंगे क्योंकि थोड़ी टफ होती है। ये देखिए पॉइंट्स पे बना हुआ है, ये 13-13 पॉइंट्स लगे हैं। ये मैथ की कॉपी है, उसी में प्रैक्टिस की गई है इसकी। एक डिज़ाइन ये है, ये सभी विभिन्न उत्सवों और त्योहारों में बनाए जाते हैं। यूपी की फोक आर्ट में जो हम आर्ट बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, वो थोड़ी प्रतीकात्मक होती है। जैसे अगर हमें पक्षी बनाना है या कोई पशु बनाना है या मनुष्य बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि जैसा वो दिखाई दे रहा है वैसा ही बनाए, उसका केवल एक सिंबॉलिक रूप लेकर के हम बनाते हैं। जैसे अगर हमें मोर बनाना है तो ये इस तरह से पॉइंट्स लगा करके मोर का एक रूपरेखा खींच देंगे। अगर इसको कलर करना है तो इसमें हम बहुत चटकीले रंगों का यूज़ करते हैं, और ये इन सारी आकारों को हम बनाना आपको अगली वीडियो से बताना शुरू करेंगे। हम सभी जानते हैं कि यूपी की फोक आर्ट जो है वो एक तरह से विलुप्तावस्था में चली गई है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसलिए मैंने सोचा, मेरे विचार से इस पे सीरीज़ बनाना बहुत आवश्यक है, और मैं हर उत्सव या त्योहारों पर जो भी चौक या कोहबर बनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। चौक जो है वो उत्सव या त्योहारों में बनाया जाता है, और कोहबर शादी ब्याह के मौके पर बनाया जाता है। पीकी फोक आर्ट अर्थ कलर्स से बनाई जाती है, जैसे गेरू, रामरज मिट्टी, चावल के आटे से, गेहूं के आटे से, गोबर से। इसको बनाने के लिए हम
जो फर्श होता है उसको खूब अच्छी तरह से गोबर का लेप करते हैं। उसके बाद उस पर गेरू चावल के आटे से या सूखे आटे से डिजाइनिंग करते हैं और कलर भरते हैं उसमें। दीवार पर बनाने के लिए मिट्टी की दीवार को खूब अच्छे से गोबर से लेप करके और उस पे चावल का आटा घोल करके और कॉटन से उसको लगाते हैं। जब वो चावल का आटा सूख करके एकदम सफ़ेद हो जाता है तब उस पे गेरू से डिज़ाइन बनाते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।